हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज दाइमा एंड यू आर वॉचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में जानेंगे। किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस होने के लिए उसमें वर्ब जरूरी होती है। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें किसी भी सिंपल सेंटेंस में टू वर्ब्स का प्रयोग करना हो तो निश्चित रूप से हमें एक को फिनिट रखना होगा तथा जितनी भी अब ये फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ एक सेंटेंस है, ही इज़ अ बॉय। अगर हम यहाँ ही इज़ को देखें तो इज़ यहाँ पर फिनिट वर्ब है। फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है, एक फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट का नंबर और दूसरा है टेंस। यदि सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस का इफेक्ट किसी भी वर्ब पर पड़ता है तो वो निश्चित रूप से फिनिट वर्ब होती है। नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है? नॉन फिनिट वर्ब वो वर्ब होती है जिस पर कर्ता के नंबर यानी कि सब्जेक्ट नंबर और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉन ही टेक्स टी, अगर हम देखें तो ही का इफेक्ट यहाँ टेक पर पड़ रहा है। यह ही के अकॉर्डिंग टेक्स, ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ टेक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सब्जेक्ट का नंबर चेंज करते हैं तो वर्ब चेंज हो जाती है। यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए टेक्स का प्रयोग हुआ। अगर हम इस यहाँ पर प्लूरल, अगर हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो फिर ये वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे वी टेक टी, अगर हम ही के साथ टेक वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ही टेक्स हो जाता है, जबकि वी के साथ हम करते हैं तो टेक हो जाता है। यहाँ क्लियर है कि वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर का इफेक्ट पड़ता है। यदि हम टेंस चेंज करना चाहें तब भी ये टेक वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे ही टुक टी, अगर हम पास्ट करना चाहें तो वी टुक टी। तो फिनिट वर्ब ये इसलिए है क्योंकि इस पर सब्जेक्ट के नंबर और टेंस का इफेक्ट पड़ता है। He is telling lie. Next अगर हम देखें, He is telling lie. यहाँ पर देखें तो दो वर्ब्स का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, is और telling. He का इफेक्ट is पर पड़ता है जबकि telling पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि हम सब्जेक्ट का नंबर चेंज करते हैं तब भी telling वैसी की वैसी ही रहेगी। They are telling lie. आई एम वॉकिंग, अगर हम यहाँ देखें तो एम यहाँ फिनिट वर्ब है जबकि वॉकिंग नॉन फिनिट वर्ब है। फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब का पता हम इस तरह से लगा सकते हैं, अगर हम यहाँ वी का प्रयोग करते हैं तो ये एम चेंज हो जाएगा, वी आर वॉकिंग। अगर हम यहाँ दे का प्रयोग करते हैं तब भी ये चेंज हो जाएगा, दे आर वॉकिंग। अगर हम यहाँ ही का प्रयोग करते हैं तब भी ये वर्ब चेंज हो जाएगी, ही इज़ वॉकिंग। लेकिन यहाँ इज़ आर एम ये तो चेंज हो रही हैं, लेकिन वॉकिंग पर सब्जेक्ट के नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पर इज़ आर एम का टेंस चेंज करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। जैसे ही वॉज वॉकिंग, इज को वॉज हमने कर दिया लेकिन वॉकिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो साफ है इज आर एम वॉज ये फिनिट वर्ब्स हैं क्योंकि सब्जेक्ट के नंबर और टेंस का इफेक्ट इन पर पड़ता है जबकि वॉकिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए सिंपल सेंटेंस में एक ही फिनिट वर्ब का प्रयोग होता है। अगर एक से ज़्यादा वर्ब्स का प्रयोग करना हो तो फिर वो जितनी भी वर्ब्स प्रयुक्त होती हैं वो सारी नॉन फिनिट वर्ब्स हो जाती हैं। नॉन फिनिट वर्ब्स में जनरली पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनिटिव्स इनका प्रयोग होता है। ये सारी
नॉन फिनिट वर्ब्स कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।